हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप किसी भी फिटिंग में अपने प्लेट्स को कैसे डाल सकते हो, कैसे आप उसकी निशानी लगा सकते हो, कैसे मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। कितने इंच पर आपको प्लेट्स या डट्स, जो भी आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे भी हम फुल वाले जो प्लेट्स डालते हैं उनका, जो हमारी कुर्ती है उसके बीच का, हम इस तरह से मेज़रमेंट ले लेंगे। दोनों प्लेट्स की मार्किंग हम एक साथ ही कर लेंगे। इस ये बहुत इजी सा मेथड है आपका प्लेट्स लगाने का, डट्स लगाने का। तो इस तरह से हमने इसका एक बीच वाला मार्किंग पॉइंट जो है, हमारा गाइडलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर मार्क कर ली है। ये देखिए, इस तरह से आप अपने शर्ट पर इस तरह से अपनी मार्किंग कर लीजिए, यानी कि हाफ इंच हमारा इस साइड, हाफ इंच हमारा उस साइड। तो यहाँ से पहले सबसे ऊपर से हम ये मेरी कुर्ती है, ये हमारी 38 इंच की कुर्ती का मार्किंग है। और यहाँ पे मैंने इसके 11.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ ली है प्लेट्स की, जो ऊपर से मैंने कपड़ा छोड़ा है वो 11.5 इंच मैंने छोड़ा है, यानी 11 इंच पर मेरे प्लेट्स आएंगे। और ये बीच में मैंने 3.5-3 इंच का मेज़रमेंट लिया है, यानी 7 इंच का मेरा बीच में रह जाता है मेज़रमेंट। लेंथ मैंने इनकी ली है 6 इंच, क्योंकि चौक थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है। आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसके, देखिए, 6 इंच की मैंने इनकी लेंथ ली है और सात इंच का मैंने इनके बीच में जो है गैप रखा है इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ से हम इसका बीच वाला पॉइंट लेंगे, यानी कि 3 इंच हम इनका लेंगे, 3-3 इंच बीच में जो भी आएगी। आप इस तरह से अपने प्लेट्स की मार्किंग ऐसे सीधी भी लगा सकते हो जैसे आपको चाहिए, क्योंकि जब आप प्लेट्स पर सिलाई लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही हमारा हाथ उस तरफ चला जाता है। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि 1-1.5 इंच हमें रखना होता है दोनों के बीच में गैप। तो इस तरह से भी आप अपनी मार्किंग लगा सकते हो, बीच में एक पॉइंट पर निशान लगा के आप इस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरीके से लगाइएगा। उसके बाद आती है हमारी साइड वाले प्लेट्स हमें किस तरह से डालने होते हैं। कहीं क्या करते हैं कि आपको पहले हम ये वाला जो हमारा प्लेट है उसको हम डाल देते हैं, लेकिन अगर हमने कुर्ती कट कर ली है तब हमें कटिंग करनी है तो आप बाद में भी कर सकते हो। इसमें कोई आपकी ये नहीं है कि आपको पहले से ही करनी थी, लेकिन ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने जब इसको मेज़रमेंट किया तो ये 7 इंच पर मैंने ऊपर वाले को रखा था, और यहाँ से भी मैं इसको 7 इंच ले रही हूँ। और 7 इंच 7 7, यानी ऊपर शोल्डर वाला जो हमारा मार्किंग मैंने अभी लगाई, ये 7 इंच, और यहाँ से भी मैंने 7 इंच। उसके बाद फिटिंग की मार्किंग यहाँ पर मेरी आ जाती है, जितनी भी आपकी फिटिंग है आप उसी तरीके से देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने ये वाली मार्किंग लगाई यहाँ पर, और इसको मैं मिला देती हूँ नीचे। अगर आपको मिलाना है तो मिला लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक ही हमारे प्लेट्स की मार्किंग आती है, पर फिर भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ आपको एक बार समझाने के लिए। उसके बाद क्या आएगा, जहाँ से शोल्डर से हमारी जो लेंथ आएगी, ये देखिए हमारी तीनों जो प्लेट्स का जो मेज़रमेंट है इक्वल आ रहा है बिल्कुल, है ना। फिटिंग वाला जो पॉइंट था वो भी बीच में आ रहा है 7 इंच पर, और जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारे प्लेट्स का मार्किंग का जो बीच वाला पॉइंट है, यानी 3 इंच का जो था, वो भी हमारा बिल्कुल पॉइंट पर आ रहा है। तीनों की एक ही इक्वल लाइन में हमारे ये प्लेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने इनको 2.5-2.5 इंच के गैप में रखा, और 2.5-2.5 इंच का हर तरफ से गैप रखा। ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने 2.5 इंच लिया और यहाँ पे मार्किंग कर दी। ऊपर वाला भी मैं यहाँ से रखूँगी और 2.5 इंच की मार्किंग रखूँगी, इस तरह से मिला दूँगी प्लेट्स को। अब इनको डालना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इतना समझ आया नहीं आया वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली की जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको हम देते रहेंगे। तो इनको कैसे डालना है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मशीन की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इनको आपको बताया कि हमने ये वाली मार्किंग की हुई थी। तो यहाँ से एक बार मैं आपको बता देती हूँ ब्लू चौक के साथ, ये हमारे प्लेट के निशान हैं। साइड वाले आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो ये मैं बता देती हूँ। इस तरह से हमारे निशान हैं साइड वाले भी। तो इनको कैसे डालना है हमें अपनी मशीन के, जो भी आपके पास यूज़ करते हो आप उसी मशीन से कर सकते हो। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट पर आपका मार्क आना चाहिए जैसे आपने रखा है। आपकी मशीन वहीं पर चलनी चाहिए जहाँ पर आपने मार्किंग की है। जूम करके दिखा देती हूँ आपको अच्छे से, जहाँ पर मैंने मशीन चलाऊंगी मैं वहीं से आपको जूम करके दिखा दूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ आएगा हमारा। तो इसको एक बार अच्छे से आप पक्का करके चलिएगा सिलाई को, जहाँ पर भी आप सिलाई लगाएंगे उसको बहुत अच्छे से पक्का करके ही आप चलिएगा। दो बार डबल सिलाई कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से हमारे बीच वाला जो प्लेट था वो मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब आती है साइड वाले की बारी कि साइड वाले कैसे डालने हैं। देखिए बीच वाला डल चुका है, बीच वाले का जो पॉइंट था ऊपर वाला वो मैंने उठाया, और यहाँ से नीचे वाले का ये वाला पॉइंट मैंने उठाया।
ठीक है, तो ये अपने आप ही ऐसे एक लाइन बना लेंगे जिस जहाँ पर इनको डलना होता है, इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और ऐसे हमारे प्लेट्स की मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से आप एक पैर का गैप आप रखिएगा प्लेट्स में, हर हर एक प्लेट्स में जितना आप एक में रख रहे हैं उतना उतना ही आप सारे में रखिएगा, तभी तभी आपके जो है फिटिंग परफेक्ट आएगी। और आप किसी भी साइज में इस तरह से निशान लगा सकते हैं, किसी भी साइज पर आपको पता चल जाएगा कितने इंच पर आपको जो है आपके प्लेट्स का मार्किंग लगानी है, कितने पर आपको ये प्लेट्स डालने हैं। इनको हम डॉट्स भी बोलते हैं, डट्स भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, टस्क भी बोलते हैं, जो भी आपके साइड में बोलते हैं आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इनको प्लेट्स ही बोलते हैं, तो हम इनको प्लेट्स ही बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो हमारा साइड वाला है, इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे चलाना है। ये देखिए इस तरह से आप ये वाली सिलाई भी लगा लीजिए। एक इंच एक पैर का मैंने उधर भी मार्जिन छोड़ा था और एक पैर का मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ रही हूँ। एक एक पैर के मार्जिन छोड़ने से क्या होगा कि आपकी जो सिलाई है वो एकदम इक्वल आएगी और फिटिंग जो है वो भी एकदम इक्वल आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली की जो हमारी वीडियोज़ हैं आपके लिए हम लेके आते हैं, डेली हमारी वीडियो जो है 3 बजे आ जाती है शाम को, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। देखिए इस तरह से अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है प्लेट को। सीधे से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा सीधी तरफ से, एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से आप अपने किसी भी साइज़ की कुर्ती में प्लेट्स डाल सकते हो, टस्क डाल सकते हो। साइड सामने सामने वाले डालने हैं तो सामने वाले डाल सकते हो, अदरवाइज सारे भी आप डाल सकते हो। तो इधर भी मैं डालूँगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दी।